करके पूछा गया बड़ी सर्दी है यार, लेकिन अगर उनको सिर्फ कहते ना कि आज सिर्फ गणतंत्र दिवस का समारोह है और वहां जा रहा तब शायद वो आ जाते, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने के लिए नहीं आए, सर्दी है। आप सभी को जैसा पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया था, और संविधान के बारे में तो सभी को पता ही है, लेकिन एक बच्चों को बताना चाहूँगा कि संविधान एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई थी 26 जनवरी 1950 को, जिसके तहत हमें कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ हमारी दायित्व तय किए गए थे, हमारी जिम्मेवारियाँ तय की गई थी। संविधान के तहत हमें जो अधिकार दिए गए थे, हमें उन अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़नी है, वो अधिकार भी लड़ने हैं, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, हमें उनसे भी बाहर लड़नी है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ अधिकार चाहिए, अपनी जिम्मेवारियाँ भी हमें निभानी है। एक ऐसी व्यवस्था दी गई थी पूरे देश को, जिसके सर्कल में, जिसके अधीन रहकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि किसी भी समाज में रहने के लिए, घर में रहने के लिए कुछ ना कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, और वही नियम इस संविधान में देश के लिए हैं। अगर कोई आदमी गलत काम करता है उसके लिए उसमें सजा का प्रावधान है, कोई आदमी खेलता है उसके लिए उसमें इनाम देने का प्रावधान है, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया गया है और उसी सिस्टम के तहत देश चलता है। आज वही दिन है, इसलिए हमारा संविधान माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में, ना जाने संविधान बनाने से पहले हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने कितने देशों का भ्रमण किया, वहाँ के संविधान की स्टडी की, और उन सब का ये कहेंगे हम निचोड़। ऐसे भी है कि कई देशों में कोई संविधान ही नहीं है, वहाँ परंपरा के अनुसार काम चल रहा है, लेकिन हमारा एक संविधान ऐसा तैयार हुआ है जिसे देश का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और उसमें हमें अधिकार और जिम्मेवारियां मिली हुई हैं जिनका हमें निर्वहन करना है। बस इससे ज्यादा तो और क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी के बारे में और 15 अगस्त के बारे में भी। तो अभी तो हमें इंतजार है कि अब हम बच्चों के कार्यक्रम देखें, क्योंकि सर्दी है, बच्चे भी कुछ करके दिखाएंगे, उन्हें भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। बाकी रही रक्षक एकेडमी की बात, रक्षक एकेडमी तो एक ऐसी एकेडमी है पूरे जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में इसका नाम है, यहाँ से जो बच्चे तैयार होते हैं, हम तो इनको, इनका सेवा भाव जब देखते हैं ना तो खुद ही गदगद हो जाते हैं और सोचते हैं यार हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि इनसे प्रेरणा मिलती है हमें। जब भी यहाँ हमने देखा यमुनानगर में कुछ ऐसा काम हुआ है, चाहे कोई आपदा आई है, बाढ़ आई है, सेना की भर्ती हुई थी पीछे थी, रक्षक एकेडमी के जितने भी रक्षक थे इन्होंने इतनी सेवा की, यहाँ तक कि सबको निःशुल्क खाना खिलाया, चाय पिलाई, बस स्टैंड से उनको उनके सेंटर तक छोड़ के आए। अभी भी जितनी परीक्षाएं होती हैं कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा ली जाते हैं, जो उनमें भी ये बेचारे बस स्टैंड पे खड़े, रेलवे स्टेशन पे खड़े, हेल्प नंबर जारी कर रखा, जो काम सरकार या प्रशासन का है वो चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन रक्षक एकेडमी उस काम को कर रही है। हम रक्षक एकेडमी से बहुत प्रेरणा लेते हैं, सारे ऐसे समाज सेवक हैं ये, कोई इनका ये बिजनेस नहीं है, लेकिन जो इन्होंने फीस भी रखी होगी यहाँ के लिए, जो कुछ भी रखा होगा, एक कोई भी संस्था उसको चलाने के लिए कुछ तो आर्थिक रूप से चाहिए ही होता है। बाकी इनका जो सेवा का भाव है, उस सेवा के भाव को देखते हुए एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ। पिछले से लास्ट टू लास्ट ईयर 15 अगस्त पे तिरंगा दौड़ रखी गई थी सेक्टर 18 में, और यहाँ के जो जब रक्षक वहाँ पहुँचे तो वहाँ मौजूद DC, SDM, CTM और उनमें हमारे उस समय के मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी, उन्होंने इनको देख के इतने वो प्रभावित हुए। DC ने मुझे बुलाया और मुझे पूछा, यार ये बच्चे इतने जो काम कर रहे हैं ये कौन है बच्चे? मैंने बताया ये रक्षक एकेडमी के हैं। तभी उन्होंने उसी दिन की बात आई, 15 अगस्त पे झंडा फहराने से पहले वो हमारी दौड़ को हरी झंडी दिखाने आ गए थे, सवेरे 7 बजे की बात है। तो उन्होंने कहा इसको जो नसीम खान है रक्षक एकेडमी का संचालक और इनके रक्षकों को लेकर तेजली स्टेडियम में आना, जो प्रोग्राम चल रहा है वहां पर इनको सम्मानित किया जाएगा। मतलब एक झलक देखकर ही जिला प्रशासन और सरकार इतनी प्रभावित हुई थी कि इनको तुरंत बुला लिया गया। जिस सम्मान के लिए लोग एक एक महीने, दो दो महीने पहले पता नहीं कितनी सिफारिशें लगवाते हैं, यार हमें भी सम्मान मिल जाए, हम काम कर रहे हैं, उसके लिए DC ने और मंत्री ने खुद इनको कहा, यार इनको त्यागी जी स्टेडियम में लेकर आना है और इनको सम्मानित किया जाएगा। हालांकि ये किसी सम्मान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन का, सरकार का फर्ज है ऐसे लोगों को सम्मानित करना, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लें, और हम भी इनसे ही प्रेरणा ले रहे हैं।
जब से हम इनके संपर्क में आए इनसे प्रेरणा ही ले रहे हैं, आज भी इनसे प्रेरणा लेंगे। बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे, बच्चों से जैसे राखी ने कहा है कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, दूसरे हमारे जो साथी आए हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। बस मेरा को तो इतना ही कहना था, और आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की वंदे वंदे, धन्यवाद, जय हिंद।